सगड़ा ने राम राम जय श्री श्याम। तो कालू थाने डेट मिलेगी कि एग्जाम का दोषी था कि मई 2023 में वह भी कौन सा सेकंड वीक में जार जदू कालू डेट मिली है ना तो जदू कही तो फूल फतेह सिंह होगा बोला तो घणो टाइम है पढ़ ले से यार खटे जासी एग्जाम तो अठे रहसी ना कि कुंभ को मेड़ो थोड़ी है जो 12 साल में एक बार आसी वो तो होनो तो है ही। 6-7 महीना पड़े आराम तैयारी कर ले सा थाने सगड़ा ने बेरो है कि कोई भी काम हुए ना तो बीको अच्छे और बुरो दो फैक्ट मिले है ठीक है बीको प्रॉफिट भी हुए और बीको लॉस भी हुए। तो कोई भी चीज़ में जा अगर थाने 6-7 महीना मिले है ना तो बीको प्रॉफिट के और बीको लॉस के है तो खुश होबा से पहली फतेह सिंह बनवाऊँ पहली आज जरूर जान लीजियो। और थे लोग अगर खुद की लाइफ में ज़्यादा बिजी को नहीं और 2-4 मिनट थारकन है ना थारी लाइफ के लिए तो ये वीडियो ने ना सगड़ा लास्ट तक जरूर देख लियो क्योंकि बे बाता जो थे सोचा भी कौन हो ना और बे बाता दे थे सोच लिया ना तो बाको जवाब था ना कौन मिल जाओ तो बे सारा का सारा तारा डाउट है ना ये वीडियो का मायने क्लियर हो जासी। उम्मीद है थे राजस्थानी हो तो थाने मारवाड़ी तो समझ मारी होसी और जो कोई बाहर का टावर अगर ये वीडियो ने देख रहा है तो थोड़ी थे भी सीख लियो काम आसी। तो सगड़ा ने मैं बता दू कि थारी जो ईओ आर ओ की जो एग्जाम है बी की डेट कद आई तो मई 2023 आई है ध्यान सुनियो और बी का मायने भी क्या आयो है सेकेंड वीक आयो है ठीक है। अब सेकंड वीक का मायने आबा के बाद में थाने सबसे बड़ी प्रॉब्लम कटे है चलो सगड़ा ने मारवाड़ी समझ में नहीं आसी हिंदी में बोल से और थाने मारवाड़ी समझ में आओ तो कमेंट कर बता दियो अगले वीडियो पूरा मारवाड़ी में ही आसी ठीक है। आपको पता है कि आपकी जो डेट मिली है मई 2023 मिली है जिसके सेकंड वीक के अंदर मिला है जैसे ही कल डेट मिली है तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन मेरे लाडलो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको जितना प्रॉफिट नहीं होगा उससे ज़्यादा कहीं लॉस भी है लेकिन उस लॉस को अगर आप समझ गए तो आपको प्रॉफिट भी उससे कई गुना ज़्यादा होगा। तो पहले इस चीज़ को लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले हम लॉस की बात कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट आपको जानना है वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा और इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें कि इस टाइम में यानी कि 6-7 महीने में आप ऐसा क्या करें कि आप अपने लक्ष्य से भटके ना ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा पहले मैं हानियों की बात करूं कि 6-7 महीने का टाइम मिलता है तो स्टूडेंट के साथ होता क्या है वो लापरवाह हो जाता है। ये बात आप मानते हैं या नहीं मानते वो लापरवाह हो जाएगा अभी तो बहुत टाइम पड़ा है और मैं आराम से प्रिपरेशन कर लूं अभी तो मैं दूसरे एग्जाम की कर लेता हूं ये सबसे बड़ी बात होती है। ये आप भी कल से ये सोच करके बैठे या नहीं बैठे आपके अंदर की ये बात है यानी कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि गुरुजी सही कह रहे होते मैं तो काल हुई है सोच रहे बैठे कि हाल तो घणो टाइम है के पड़े हो 6-7 महीना है तो हाल तो दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर ले। मैं भी बता रही हूँ कि के थे सोचो होना सगड़ो बता रही हूँ। दूसरी बात की है कि कई टाबरा की प्रॉब्लम के हुए ना हानि भी है कि फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम हुआ यानी कि घर का के हुए कि बेटा इस साल लागो तो लागो नहीं तो तेरो काम धंधो संभाला कोई को ब्याह होगो तो भाई तेरा लुगाई टाबरा ले जा और तेरो काम कर क्यों भी कर लेकिन अतरो टाइम को नहीं। ये अधिकतर बच्चों के सामने इस चीज़ से इस फेज से भी वो गुजर रहे हैं ये मैं समझता हूँ। तो इसका भी कहीं ना कहीं कई बच्चों को नुकसान होगा डेट आगे जाने से ठीक है बात समझ रहे। तीसरा अगर रीजन की बात करूं तो पोस्ट बहुत कम है तो टाबर के सोची यार अति सी पोस्ट है अत्ता को माने लाखों फॉरम भरोड़ा मारो घटे नंबर आसी तो मैं तो एक काम करूं घर का सही कह रहा है कि दूसरी कोई ना कोई पोस्ट पकड़ लूँ या फिर कोई ना कोई प्राइवेट जॉब कर लूँ। आज सगड़ा की सोच हो सी अधिकतर की ठीक है बे के कर सी इन्हें स्कीप कर सी और कोई ना कोई या तो प्राइवेट जॉब में लाग सी या फिर कोई और वैकेंसी आती चाहे सीईटी होगी चाहे हाईकोर्ट होगी कोई सी भी हो सी तो इन्हें के कर सी स्कीप कर सी। मेरी बात ने ढंगू समझियो एक एक पॉइंट बता रही हूँ जो थारा मन में हो रही है ना बा बता रहे हूँ ठीक है इन्हें स्किप कर सी। मेन क्या सी कि नई वैकेंसी आ जासी जदी जी अभी हाईकोर्ट चल रही है फिर मान लो एलडीसी आ जासी जूनियर अकाउंटेंट आ जासी ठीक है आरएस आ जासी बी की भी सारी बात कर सी हूं मैं ठीक है लास्ट तक जरूर देख लीजिए। आ वैकेंसी को जो थारे डर हो ना कि वैकेंसी वाला सारी सीट ले जासी तो बी के लिए भी थाने मेन बात बता पा रहा हूं तो वीडियो एंड तक जरूर देख लियो ठीक है। आर एस आ जासी अगर काफ़ी वैकेंसी आ जासी सीईटी आ जासी तो जो इसके प्रति सीरियस हो रहे थे ना मैंने पहले भी वीडियो डाल करके बताया था कि धीरे धीरे कम होते जाएंगे उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जबकि डेट आने से पहले मैंने ये वीडियो बना दिया था तो उसको जरूर देख लीजिएगा ठीक है। न्यू वैकेंसी आ जाएगी बच्चे यहाँ जा करके कहीं ना कहीं इसको छोड़ करके स्किप करके क्योंकि अभी तक टाइम है इसको छोड़ देंगे फिर क्या होगा एक डिस्ट्रैक्शन क्या होता है नई वैकेंसी आती है नई चीज़ों में इंसान लग जाता है या फिर कुछ ऐसी टेंशंस हो जाती है जिनकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने जो एम होता है ना उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जिससे भी कहीं ना कहीं लॉस होगा स्टूडेंट्स को ठीक है। उसके बाद में फैमिली प्रेशर में यहां भी बात कर चुका हूं कि इतना टाइम पड़ा है कितना टाइम आपके पास नहीं है इस वजह से एक स्टूडेंट को ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पोस्ट को है इस वैकेंसी को स्किप करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत है। इसका फायदा कहां होगा अब चलिए मैं फायदे के ऊपर जाता हूं कि प्रॉफिट होगा ठीक है। प्रॉफिट कैसे होगा कि आपको 6-7 महीने का टाइम मिल रहा है
ये चीजें जो आपके मन में आ रही है ना, किसी ने नहीं बताया। या तो आपको ये बताया गया कि ये बुक पढ़ लो, 6-7 महीने में हम इतना कोर्स ऐसे करवा देंगे, ये सारी बातें हुई, लेकिन ये नहीं हुआ कि बच्चों आपको ये चीज लेकर के कैसे चलनी है। तो ये मेन पॉइंट है आपके लिए समझना, ठीक है। उसके बाद आपको कैसे क्या पढ़ना है, वैसे मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन 6-7 महीने की एक स्ट्रेटेजी भी अगर अपनानी है आप कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बस अपना प्यार बनाए रखिए। प्रॉफिट क्या क्या होगा, एक तो आप लोगों को अभी टेंशन थी कि आपका काफ़ी ज़्यादा कोर्स था वो लेंथी था, कि राजस्थान जी के पूरा का पूरा है, इंडियन पॉलिटी है, आपको नगरपालिका अधिनियम पढ़ना है, करंट अफेयर लेकर चलना है, पूरी स्कीम्स लेकर के चलनी, इतना टाइम अगर सर दिसंबर तक का ही टाइम मिला तो हम कैसे कवर अप करेंगे, ये सबसे बड़ी टेंशन थी। तो पहली बात तो अगर आपको मई तक का टाइम मिल रहा है तो आपके पास 6-7 महीने हैं, आप आराम से 3-4 बार, ठीक है, 3-4 बार भी नहीं तो आप 2-3 बार आराम से इस कोर्स को कम्प्लीट कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं, यानी कि 2-3 बार कंप्लीट करने का मतलब है कि आप कोर्स का रिवीजन कर पा रहे हैं, आपको टाइम मिल पा रहा है। आप ये नहीं बोलेंगे मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो मैं ये कर लेता ना, तो मैं पहाड़ तोड़ देता, तो ये पहाड़ तोड़ लो, आपके पास में टाइम है, आप मांझी बनना चाहते हो तो बन जाइए, टाइम इनफ है आपके पास। तो आप ये नहीं कर सकते, आप प्रॉपर तरीके से अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं ना, खुद के नोट्स बना करके भी जितना बुक्स में घुसोगे ना उतना बेस्ट है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, आपको खुद से पढ़ना है। और इसी से रिलेटेड इसका जो करंट अफेयर है, मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर और जो स्कीम्स का जो कॉम्बो पैक है, जो गवर्नमेंट आई है तब से लेकर के स्कीम, और इसमें इंडिया और इंटरनेशनल, ये सब कुछ मिलाकर के जो दिसंबर 2022 तक अपडेट होगा, इसका कॉम्बो पैक मैंने ऐप के ऊपर प्रोवाइड करवा रखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका फायदा उठा लीजिएगा। बाद में जुड़ने वालों को दिसंबर तक अपडेट नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, कोर्स कंप्लीट करने का उनको मौका मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ आते हैं भीड़ का छटना, भीड़ का छटना मैंने यहाँ पे आपको लॉस में बताया था कि बच्चे जैसे ही न्यू वैकेंसी आएगी ना, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चलिए, जैसे ही न्यू वैकेंसी आएंगी उधर चले जाएंगे, कई बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, कई बच्चे उस चीज को लेकर के यहां पे टूट जाता है ना इंसान कि यार इसमें नहीं हो रहा, तो वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में घुस जाएगा, लेकिन आपको अपना एम नहीं बदलना है। तो यहां पे भीड़ के छटने से आपको अपनी सीट पाने में और ज्यादा आसानी होगी, न्यू वैकेंसी आने से बच्चे वहां पे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उधर चले जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन और क्या होता है, कोई भी चीज़ें हो जाती है कि फैमिली प्रेशर हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती है, इनकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और अपनी पोस्ट के लिए जो आप कम से कम पोस्ट है लेकिन आपको लड़ने के लिए अंदर से एक और एनर्जी मिलती है। सबसे बड़ा फैक्ट क्या है इस एग्जाम का, आप लोगों के मन में एक चीज़ आ रही थी कि आरएस वाले इस पोस्ट को ले जाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, आरएस वाले इस पोस्ट को ले जाएंगे, तो आरएस वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस चीज़ के लिए लड़ सके। वो क्यों, क्योंकि इसके लिए आपको मैं आरएस के ऊपर एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, वो आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा, आपको अच्छे से जवाब मिल जाएगा कि आरएस की एग्जाम कब कब होगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, फ्री कब होगा, मेंस कब होगा। बस इतना सा ओवरऑल बता सकता हूँ, क्योंकि आरएस वाले अपने प्री और मेंस में फंसे रहेंगे, तब वो आपकी ईओआरओ के अंदर टच भी नहीं करें, आप टेंशन फ्री रहिए, जब तक वो फ्री होंगे या तो वो फ्री नहीं होंगे, फ्री होंगे तब तक उनके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि वो आपकी इस पोस्ट को इफेक्ट कर सके। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि आरएस वाले इस पोस्ट को ले जाएंगे, तो अब इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं आरएस वाला एक वीडियो बना रहा हूँ, उसे देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। इसलिए बस इतना सा समझ लीजिए कि आरएस वाले जो टेंशन थे ना कि ईओआरओ की पोस्ट तो वो ले जाएंगे, उनको बीजी कहीं ना कहीं कर दिया गया और वो बीजी हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं, अगर आपका लक्ष्य अटल है ना, तो आपको कोई नहीं हिला सकता है। बस ये सोच लीजिए कि 6-7 महीने का है, इसको पॉजिटिव वे में लेकर के चलना, नेगेटिविटी कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव रहिए। कोई भी चीज को लेकर के आपको लगता है कि हम नेगेटिव जा रहे हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे एक ग्रुप बना दूंगा अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो, लेकिन डिमांड तो आपको ही करनी है ना, वहां पे मैं टाइम टू टाइम आप लोगों से इंटरेक्ट होता रहूंगा, ठीक है। एक और चीज मैं कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल है ऑलरेडी बहुत कुछ अवेलेबल हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बाकी चीज़ें भी जैसे अधिनियम वगैरह है, आपके पास टाइम खूब है, इनकी टेंशन मत लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, हड़बड़ाहट मत कीजिए, आराम से पढ़िए। अभी आप अपने जीके को पूरा कर लीजिए, बाकी चीज़ें भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ पाएंगे कि क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, आपको कैसे करके चलना है, कि आपको इस वाले भाग में शामिल होना है या फिर आपको इस वाले भाग में शामिल होना है, डिपेंड आपके ऊपर करता है, डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, आप कहीं और भागने की सोच रहे हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, सर हमें जो डर था ना वो डर दूर हो गया, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना, चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करें अपने RPSC, SSC एंड रेलवे का सपना साकार। Download the app now.